Yes. Welcome. हौसले हो बुलंद, हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात, छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को ही हिला देंगे। वो और है जो बैठ जाते हैं थककर मंजिल से पहले। जी हाँ सुनिएगा, वो और है जो बैठ जाते हैं थककर मंजिल से पहले। हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को ही झुका देंगे। हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को ही हे झुका देंगे। सो माय डियर, मैं आज उन 50 भारत के उन पर्सनैलिटीज़ की बात करना चाहता हूँ जिनके हौसले इतने बुलंद हैं, जिन्होंने अपने हौसलों के आगे दुनिया को ही झुका दिया है। सो जी स्टार्ट करते हैं हमारे देश की पहली और सबसे अच्छी पर्सनालिटी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बॉर्न 17 सितंबर 1950। यस, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बॉर्न 17 सितंबर 1950, इंडिया के 14th और करंट प्राइम मिनिस्टर 2014 से। इन्होंने यही नहीं 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की जनताओं की सेवा की है। बढ़ते हैं देश की दूसरी पर्सनैलिटी तरफ, अमित शाह जी, जो कि मोदी जी के सबसे खास। उनका पूरा नाम है अमित अनिल चंद्र शाह, बॉर्न 22 अक्टूबर 1964, इंडिया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, अभी भारत के गृह मंत्री के पद पर हैं। और ये माना जाता है इससे पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे थे और गुजरात की जनताओं की काफ़ी सेवा भी की है। आगे बढ़ते हैं हमारी पर्सनैलिटी नंबर थर्ड पे, मुकेश अंबानी जी, जो कि पूरा नाम है मुकेश धीरूभाई अंबानी जी, बॉर्न 19 अप्रैल 1957, इज एन इंडियन billionaire business magnate and the chairman, the managing director and the largest shareholder of Reliance Industry Limited. So move to the next one. Fourth personality, Rajnath Singh. Rajnath Singh, born 10th July 1951, is India's defense minister. He's a Raksha Mantri hai. He's also worked as the president of the BJP. Former president of the BJP. So move to the next personality, number 5, Rajnath Kovind ji. Rajnath Kovind ji, Desh ki Raja, born on 1st October 1945, 14th and the current president of India. Bharat ke abhi current rashtrapati hain, aur kaun si rashtrapati hain? 14 नंबर की राष्ट्रपति हैं, जानना जरूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए ये जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये आपके कहीं ना कहीं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये भी जानना जरूरी है कि हमारे देश के कौन से ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो राजनाथ कोविंद जी, ईच वन ऑफ यू नो डैट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं 6th पर्सनैलिटी पे, सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी, born on 9 December 1946, is the president of the Indian National Congress. Move to the 7th, Nirmala Sitaraman. Nirmala Sitaraman, 18 August 1959 ko janam hua hai, aur India's current minister of finance and corporate affairs. Finance and corporate affairs, jo ki vitt mantralay ka bhar sambhal raha hai Nirmala Sitaraman ji ne. Aage badhte hain, राहुल गांधी जी, 8th नंबर पर्सनैलिटी। राहुल गांधी जी, बॉर्न ऑन 19 जून 1970, एंड इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मूव टू द पॉइंट नंबर 9 पर्सनैलिटी, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी इज अ, उनका नेम जो बॉर्न में था वो अजय मोहन बिष्ट था। इनका जन्म 5 जून 1972 को हुआ है, जो कि एक साधु के तौर पर थे, सेवक कृत थे, और इसके साथ साथ अभी फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। कब से? 19 मार्च 2017 से। आगे बढ़ते हैं
10 पर्सनैलिटी अजीत डोवाल, जिनके आगे दुनिया जानते कि उनके दिमाग में जो चल रहा है वो कोई नहीं पहचान सकता। अजीत कुमार डोवाल जी 20 जनवरी 1945 को जन्म हुआ था और जो कि 5th एंड द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पोस्ट पे हैं ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो अजीत कुमार डोवाल जी चलते हैं 11 पे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल 16 अगस्त 1968 को बॉर्न हुए थे और इज अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एंड नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली सिंस फेब 2015 से दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभाल रहे हैं। चलते हैं 12th पर्सनालिटी पे, अर्नब गोस्वामी जी, अर्नब रंजन गोस्वामी 7 मार्च 1973 को जन्म हुआ था, इज एन इंडियन जर्नलिस्ट, भारत के एक अच्छे पत्रकार हैं एंड हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। मूव टू द 13th, रोहित शर्मा, क्रिकेट के इतिहास में अपना परचम रहने वाले रोहित शर्मा इज द हिटमैन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट हु गॉट द खेल रत्न अवार्ड दिस ईयर फॉर एन आउटस्टैंडिंग 2019 विद द बैट्समैन। उनको खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2019 में बहुत अच्छा बैटिंग करने के लिए। द ओपनिंग बैट्समैन स्कोर 556 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 92.66 इन 5 टेस्ट एंड 1490 ODI रन इन विद 57.30 एवरेज इंक्लूडिंग 5 सेंचुरीज इन अ सिंगल वर्ल्ड कप। बहुत बड़ी बात है 5 सेंचुरी बनाना एक सिंगल वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा जी वी सैल्यूट यू एंड यू कीप इट अप। 14 जी विराट कोहली जी, कौन नहीं जानता विराट कोहली जी को। विराट कोहली द एवर सो एक्सप्रेसिव कैप्टन हेल्प्ड इंडियन बिकम द फर्स्ट एवर टीम इन मैंस T20 क्रिकेट टू सील अ क्लीन स्वीप इन अ 5-match T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड दिस ईयर। ही इज ऑल्सो हैपेंस टू बी द मोस्ट फॉलोड एशियन सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में इनके बहुत चाहने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग इनको चाहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी भी है इंस्टाग्राम में। मूव टू द पर्सनैलिटी नंबर 15, गौतम अडानी जी, गौतम शांतिलाल अडानी जी June 24, 1962 को बॉर्न हुए थे, इज एन इंडियन बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत के एक और उद्योगपति जी, हु इज द चेयरमैन एंड द फाउंडर ऑफ द अडानी ग्रुप एन अहमदाबाद बेस्ड मल्टीनेशनल कॉग्लोमरेट। अहमदाबाद में उनके कई सारे मतलब कई सारे ग्रुप हैं, बिजनेस के कई सारी कंपनीज हैं अहमदाबाद में। मूव टू द नेक्स्ट वन, चलते हैं हम 16 पे, बिपिन रावत, बिपिन जनरल बिपिन रावत जी, he is born on 16th March 1958, is a 4-star general and the current chief of the defense staff of India. तीनों फोर्सों के एक नया लीडर बनाया गया जिसका भार दिया गया है जनरल बिपिन रावत जी को, पहचान लीजिए। चलते हैं 17 पे, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी born 5th Jan 1955 and is the chief minister of the West Bengal since 2011. और अब जैसा आप जानते हो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आएगी देखने की बात है। Move to the 18, मोहन भागवत जी, मोहन भागवत 11 सितंबर 1950 को बॉर्न हुए थे, he is the संरक्षक ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष तौर पर भी हैं। मूव करते हैं 19 पर्सनालिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा जी 12 जनवरी 1972 को बॉर्न हुई हैं, इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर है अभी फिलहाल। मूव टू द 20, यस इंडिया के बॉलीवुड के सबसे चहेते चेहरे अक्षय कुमार, अक्षय कुमार जिनका बॉर्न हुए जन नाम था राजीव हरी ओम भाटिया, राजीव हरी ओम भाटिया जिनका जन्म 9 सितंबर 1967 को हुआ था, इज एन इंडियन बॉर्न नेचुरलाइज्ड कैनेडियन एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मैरिट दैट इज मार्शल आर्ट एंड टेलीविजन पर्सनैलिटी हु वर्क इन बॉलीवुड।
अगर हम बात करें इनकी कुछ ऐसी सुपरहिट मूवीज की तो गुड न्यूज, मिशन मंगल 2.0, हॉलीडेज, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, ओएमजी, ओ माय गॉड, फिर हेरा फेरी एंड मोहरा, ये कुछ ऐसी सुपरहिट मूवीज हैं जिसने उन लोगों को लुभाया है। चलते हैं हमारे पर्सनैलिटी नंबर 21, प्रशांत भूषण जो कि 15 अक्टूबर 1956 को बॉर्न हुए हैं, इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ही अंदर लॉयर हैं। 22, जगन रेड्डी, येडुगुरी शांतिनिधि जगमोहन रेड्डी, बॉर्न ऑन 21st December 1972, एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द फाउंडर ऑफ YSRCP। मूव टू द पर्सनैलिटी 23rd, सलमान खान, दिलों की शान, पूरा नाम कई फैन नहीं जानते होंगे, अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान, बर्थ 27 दिसंबर 1965, इज एन इंडियन फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, द टेलीविजन पर्सनैलिटी। अगर हम बात करें सलमान खान जी की कुछ फेमस सुपरहिट डुपर हिट मूवीज की तो प्रेम रतन धन पायो, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, किक, एकता टाइगर, बॉलीवुड, बॉडीगार्ड, दबंग, नो एंट्री, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर वन, ये कुछ सुपर डुपर मूवीज हैं। मूव टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी, आनंद महिंद्रा, आनंद गोपाल महिंद्रा जो कि 1 मई 1955 को बॉर्न हुए थे, इज एन इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन एंड द चेयरमैन ऑफ द महिंद्रा ग्रुप, अ मुंबई बेस्ड बिजनेस कॉग्लोमेरेट। ही इज मुंबई में काफी अच्छा उनका ग्रुप है बिजनेस का और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन भी हैं आनंद गोपाल महिंद्रा जी, उद्योगपतियों के नाम में बड़ा नाम है इनका। नेक्स्ट मूव टू द पर्सनैलिटी 25, शक्तिकांत दास, बॉर्न ऑन 26 फेब 1957, इज अ रिटायर्ड 1980 बैच IAS ऑफिसर। ही इज करंटली सर्विंग एज अ 25th गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 25th गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शक्तिकांत दास। पर्सनैलिटी नंबर 26, शरद अरविंद बोबड़े, बॉर्न ऑन 24th अप्रैल 1956, एंड इज द 47th एंड द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद बोबड़े। पर्सनैलिटी 27, के शैलजा, बॉर्न ऑन 20th नवंबर 1956, एंड पॉपुलरली नोन एज शैलजा टीचर, इज अ इंडियन पॉलिटिशियन, करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर ऑफ कर्नाटका स्टेट। मूव टू द नेक्स्ट वन, कंगना रानौत, पर्सनैलिटी नंबर 28 में, बॉर्न ऑन 23rd मार्च 1987, इज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड फिल्म मेकर हु वर्क इन इंडियन हिंदी फिल्म्स, और कुछ फेमस मूवीज हैं इनकी, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, क्वीन, गैंगस्टर एक्सेट्रा। मूव टू द नेक्स्ट वन, पर्सनैलिटी नंबर 29, सौरव गांगुली, नोन एज दादा, टुक चार्ज ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बोर्ड BCCI, एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI राइट नाउ। ही इज द ओनली क्रिकेटर हु वॉन 4 कंसेक्यूटिव मैन ऑफ द मैच इन ODI क्रिकेट, and he is the fastest batsman to score 9,000 run in ODI. Salam dada. So next move to personality 30, Navika Kumar, born on 21st August 1978, and he is the group editor, politics, Times Network, and a popular anchor for Times Now. Personality 31, Ratan Naval Tata, born on 28 December 1937, and is an Indian industrialist and
फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब बहुत अच्छे समाजसेवी भी हैं, एंड अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। पर्सनालिटी 32, सोनू सूद। सोनू सूद एक्टर है, बॉर्न ऑन 30 जुलाई 1973, इज एन इंडियन फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर भी हैं, ह्यूमैनिटेरियन भी हैं, और हु एक्ट प्रीडोमिनेंटली इन हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी फिल्म्स। भाई साहब ऑलराउंडर है, हिंदू, तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड पंजाबी सभी मूवी के अंदर अपने नाम रोशन करने वाले सोनू सूद। पर्सनैलिटी नंबर चलते हैं 33, राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई जी बॉर्न ऑन 24th May 1965 इज एन इंडियन न्यूज एंकर, मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट, ऑथर एंड ही इज अ कंसल्टिंग एडिटर एट द इंडिया टूडेज ग्रुप। इंडिया टूडेज ग्रुप, यस। सो मूव टू द नेक्स्ट वन, महेंद्र सिंह धोनी। पर्सनैलिटी 34, महेंद्र सिंह धोनी जी कैप्टन, कूल शॉक्ड अस ऑल ऑन द इंडिपेंडेंस डे, सबको शॉक करा था कब, व्हेन ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। धोनी जिसने दुनिया को सिखाया कि इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग द गेम्स एज इट प्रोग्रेस्ड एंड विल कंटिन्यू टू प्ले फॉर चेन्नई सुपर किंग्स इन आईपीएल। पर्सनैलिटी नंबर 35, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। सचिन तेंदुलकर, इट्स अ नेवर एंडिंग लव बिटवीन क्रिकेट एंड द लिटिल मास्टर, ही स्टिल फॉलोज द गेम वेरी क्लोजली, स्टिल ऑफर्स द एडवाइस टू द यंग वंस एंड इज स्टिल adored by the millions around the world. 36, Hemanta Biswa Sarma. Hemanta Biswa Sarma is a cabinet minister in the Assam government and the convener of the Northeast Democratic Alliance. Personality 37, Karan Johar. Karan Kumar Johar, kaun nahi janta inko, also referred to as KJO, is an Indian film director, producer, screenwriter, costume designer, actor, television personality who work in Hindi films. Personality 38, Harish Salvi. Harish Salvi, born on 22nd June 1955, is a senior advocate who practiced at the Supreme Court of India. Move to the next personality, Ravish Kumar. 39 personality, Ravish Kumar, born 5th December 1974, is an Indian journalist, author, and media personality, and is a senior executive editor at NDTV India. Personality 40, Adar Poonawala. Poonawala, Adar Poonawala, जिनका नाम आज के इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा लिया जा रहा है क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, born on 2014 January 1981 and is Chief Executive Officer of the Serum Institute of India, founded in 1966 by his father, Dr. Cyrus Poonawalla, and is the world's largest vaccine manufacturer by the number of doses produced. Personality 41, Nitin Gadkari. Nitin Jayaram Gadkari ji, born on 27th May 1957, India's current Minister for the Road Transport and Highway, and Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. Subramaniam Swami. Subramaniam Swami, born on 15 September 1939, is an Indian politician, economist, statistician who served as a nominated member of Parliament in Rajya Sabha. 43. Shekhar Gupta. Shekhar Gupta, born on 26 August 1957, is an Indian journalist and author, and is the founder and the current editor-in-chief of The Print. Move to the next. 44. Nitish Kumar. Nitish Kumar ji, who is born on 1st March 1951, is the 22nd and the chief minister of Bihar. Or Nitish Kumar ji, jo ki Bihar ke 7 baar ban chuke hain CM, 20 saal ke andar. Bahut badi uplabdhi hai. Personality number 45. आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जिनका बचपन नाम निशांत खुराना, उम्र, डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1984, इज एन इंडियन एक्टर, सिंगर भी हैं, टेलीविजन होस्ट भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं,
और इनकी कुछ फेमस मूवी है जिन्होंने इनको पर्सनल इनकी अलग इमेज बनाई है पूरी वर्ल्ड में, जैसे अंधाधुंध, शुभ मंगल सावधान, दम लगा के हाई शाह, विक्की डोनर, ये कुछ अच्छी मूवीज हैं जिनसे इनकी पर्सनैलिटीज इनको फॉलोअर्स बढ़े, पर्सनैलिटी 46 जिन्हें कौन नहीं जानता, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जी बॉर्न इनकलाब श्रीवास्तव ऑन 11 अक्टूबर 1942 इज एन इंडियन फिल्म एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविजन होस्ट, ओकेशनली प्लेबैक सिंगर भी हैं एंड फॉर्मर पहले पॉलिटिशियन भी थे। इनकी कुछ ऐसी मूवीज जिन्होंने बहुत अच्छी इमेज समाज में छोड़ी है जैसे बागवान, भगवान, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, बड़े मियां छोटे मियां, आज का अर्जुन, कुली, शोले, बहुत सी मूवी हैं। पर्सनालिटी नंबर 47 रोशनी नाडर। रोशनी नाडर मल्होत्रा इज एन इंडियन बिजनेस वूमेन एंड द चेयरपर्सन ऑफ एससीएल टेक्नोलॉजी एंड द फर्स्ट वूमेन टू लीड listed IT companies in India and she is the only child of SCL founder Shiv Nadar. Personality 48 Anushka Sharma. Anushka Sharma जो कि 1 मई 1988 को इनका born हुए हैं. She is an Indian actress, producer भी हैं. He work in Hindi films और she also सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी तब हुई जब she also married to the Indian cricket captain Virat Kohli. बाबा रामदेव एंड बाल कृष्णा देश के आयुर्वेदिक और योग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले बाबा रामदेव जी और बाल कृष्णा जी। रामकिशन यादव जी जो कि बाबा रामदेव जी का पूरा नाम है, पॉपुलरली नोन एज बाबा रामदेव एंड इज एन इंडियन योगा गुरु नोन फॉर हिज वर्क इन आयुर्वेद, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। He co-founded the Patanjali Ayurvedic Limited. इन्होंने एक पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड बनाई जिसके अपने कलीग के साथ जिसका नाम था बालकृष्णा। बालकृष्णा जी जो कि नोन एज आचार्य बालकृष्णा जी 1972 में बॉर्न हुए, ये थे इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन एंड द चेयरमैन ऑफ पतंजलि आयुर्वेद, आज के टाइम में बहुत बड़े उद्योगपति बन चुके हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी एंड द लास्ट पर्सनैलिटी 50 कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला जी बॉर्न ऑन 14 जून 1967 इज एन इंडियन मिलीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इन द इंडिया। सो माय डियर्स, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉप 50 पर्सनालिटीज व्हिच आर बेसिकली नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन द इंडिया। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।